हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण आसपास। ओके बच्चों, हमने अगली बार यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब आगे देखिए। जो शारीरिक रूप से अपाहिज हैं उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पता करके नीचे बताइए, मतलब हमको इसमें बताना है। देखो, इसमें हमको बताना है कि जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें क्या क्या मुश्किलें आती हैं। क्षति, मुश्किलें, अपंग, अपंग, अपंग क्या होता है? अपंग जो चल नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं। जिनके पैर नहीं होते, जो पैर से थोड़े अपंग होते हैं, वो क्या, उनको कौन कौन सी मुश्किलें होती हैं? वो चल नहीं सकते हैं। अंध, अंध मीन्स क्या होता है? अंधा, अंध मीन्स क्या होता है? उनको कौन सी मुश्किल होती है? वे देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं बच्चे? वो देख नहीं सकते हैं। मूक बधिर, मूक बधिर मीन्स गूंगा, मीन्स जो बोल नहीं सकते हैं वो, उन्हें क्या मुसीबत होती है, क्या मुश्किल होती है? मुख से बोल नहीं सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते बच्चों? मुख से बोल नहीं सकते हैं। ओके, फिर आगे देखिए क्रियाकलाप। आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान में घूमिए, क्या महसूस हुआ बताइए। ऐसे अन्य क्रियाकलाप अपने अध्यापक से जानकर कीजिए और अनुभव बताइए। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में ऐसे भी रास्ते हैं जो हमारे इलाके में नहीं है, आइए पता करें कि वहाँ पर बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। ये देखिए नीचे, ये किस चीज का चित्र दिया गया हमको? उड़न खटोले का। किस चीज का चित्र है बच्चों? उड़न खटोले का। देखिए लिखा इधर, उड़न खटोला रॉप वे। आप पावागढ़ या अंबाजी गए हैं, वहाँ तलहटी से शिखर के मंदिर तक पहुँचने के लिए उड़न खटोला इस्तेमाल होता है। उड़न खटोला अर्थात एक मजबूत तार के रस्से पर सरकती हुई ट्रॉली, जिसमें बैठकर ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अपने अध्यापक से इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कुछ राज्यों में नदी या खाई पार करने के लिए इस तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चे, देखो इधर हमको क्या समझाया गया है उड़न खटोला के बारे में। जैसे हमने कभी हम अंबाजी गए हो तो हमने देखा होगा पावागढ़ में, तो उधर उड़न खटोला होता है मंदिर तक पहुंचने के लिए, जो रस्ते से बंधा होता है, एक ट्रॉली जैसा होता है। ओके, आगे पेज में देखिए। इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्तों पर पानी भर जाता है, उसे पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पर लकड़ी का पटरा या रस्से का पुल भी इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़ या रेगिस्तान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सभी संकटों को पार करके स्कूल पहुंचेंगे। अगर उधर हमको पूछा गया है, स्कूल पहुंचने में आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है, तो हम लिखेंगे नहीं, हमारे आसपास पक्के रोड की व्यवस्था है। हमने देखो इधर क्या लिखा, इधर हमको पूछा गया है कि आपको कभी स्कूल में जाते वक्त कोई परेशानी हुई है रास्ते में, तो हमने लिखा है नहीं, क्योंकि हमारे आसपास कैसे है, पक्के रोड की व्यवस्था है। अब देखिए आगे, आइए अलग अलग स्थितियों में चलना सीखें। अपने मित्रों के साथ मैदान में, स्कूल में, किसी खुली जगह में जाइए और दी गई स्थितियों में चलने का अभिनय कीजिए। मैदान की जमीन समतल और नरम है, मैदान की जमीन कांटों से भरी है, मैदान की जमीन ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीली है, रेगिस्तान है और रेत खूब गर्म है। हर बार चाल में कोई अंतर महसूस होता है, चर्चा कीजिए। इस पाठ में बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किन वाहनों व रास्तों का इस्तेमाल करते हैं लिखिए। देखो इधर हमको खाली बॉक्स दिए गए हैं 6, उसमें हमको क्या करना है कि इस काव्य के आधार पर, मतलब जो इस कविता में बताए गए हैं, उन रास्तों के हमको नाम लिखने हैं। तो पहला में हमने लिखा रिक्शा से, बच्चे किससे स्कूल जाते हैं पहले चित्र में? रिक्शा से। फिर नाव से, हम
हमको इस पार्ट में जिस जिस तरह से स्कूल जाते हैं वो सभी रास्ते हमको नाम बताने हैं। तो हम लिखेंगे रिक्शा से, नाव से, पुल से, ऊंट गाड़ी से, बैलगाड़ी से, साइकिल से। ठीक है, हम लोग इन सभी रास्तों से स्कूल जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम रिक्शा से, नाव से, पुल से, ऊंट गाड़ी से, बैलगाड़ी से, साइकिल से। ओके बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पेज नंबर 7 हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। ये पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। ओके, और अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए इसमें पार्ट दो कान ही कान, मतलब बहुत सारे कान। फिर आगे देखिए, मेरा कान किससे मिला है। देखो इसमें देखो क्या दिया गया बच्चों, कि कान अलग अलग दिए गए हैं, मतलब कान जैसे ये प्राणी अलग है और उनके कान अलग है। जैसे देखिए हाथी है, हाथी के पास किसके कान है, हाथी के पास जिराफ के कान है। देखिए हाथी के पास जिराफ के कान है। फिर ये क्या है, खरगोश, खरगोश के पास किसके कान है, खरगोश के पास है चूहे के कान। खरगोश के पास किसके कान है बच्चों, चूहे के कान है। फिर देखिए ये क्या है, भैंस, भैंस के पास किसके कान है, भैंस के पास है हिरण के कान। क्या है, भैंस के पास कैसे है, हिरण के कान है। और फिर देखिए आगे, जिराफ, जिराफ है, जिराफ के पास किसके कान है बच्चों, जिराफ के पास हाथी के कान है। जिराफ के पास किसके कान है बच्चों, हाथी के। फिर आगे देखिए कुत्ता, कुत्ता है, कुत्ते के पास कौन से कान है, कुत्ते के पास है खरगोश के कान। ठीक है बच्चों। और फिर ये देखिए चूहा, चूहा के पास किसके कान है, चूहे के पास है कुत्ते के कान। इस तरह सभी प्राणियों को अलग अलग कान लगा दिए गए हैं, उसी को हमको देखना है अच्छी तरह। ओके ओके बच्चों, इस तरह हमको इस कहानी को समझना है कि किसके कान किस में जुड़े हैं। और ये सब क्या है, ये सब जंगल वासी है। अब इन जानवरों में कुछ अलग है, कलाकार ने जानवरों के सिर और कान गलत बनाए हैं। नीचे दी गई तालिका में जानवरों के सही कान किस जानवर के सिर पर है, ये खोज कर लिखिए। अब हमको क्या करना है, जिस जानवर के सही कान लगाए गए हैं उसके नाम हमको लिखे। ओके, देखो इधर क्या करना है हमको, इधर दिए जानवर के नाम और इधर दिए हैं कान, तो हमको बताना है जानवर हाथी, हाथी के सिर पर किसका कान है, जिराफ का। देखिए हाथी के कान पर किसका, हाथी के शरीर पर जिराफ का कान है, इसलिए इधर जिराफ लिखा है। अब उसी तरह खरगोश, खरगोश के कान पर किसका कान है। ओके बच्चों, देखो ये क्या लिखा है, खरगोश, खरगोश के कान के ऊपर किसका, खरगोश के शरीर पर किसका कान है, चूहे का। तो इधर हमने लिखा चूहा। अब देखो चूहा, चूहा के शरीर पर किसका कान है, देखो स्टूडेंट्स चूहा, चूहे के सिर पर किसका कान है, तो कुत्ते का कान है। ठीक है, फिर जिराफ, जिराफ के कान पर किसका कान है, जिराफ के शरीर पर किसका कान है, हाथी का। इधर देखिए जानवर और कान, कुत्ता, कुत्ते के शरीर पर किसका कान है, खरगोश का। भैंस, भैंस के कान पर, भैंस के शरीर पर किसका कान है, हिरण का। हिरण, हिरण के शरीर पर क्या है, हिरण के शरीर पर गाय के सिंगड़े हैं, गाय के कान है, इसलिए हमने लिखा हिरण में गाय। ओके, इस तरह हमको जानवर और कान के नाम लिखने हैं। ओके, फिर देखिए आगे इस पेज में देखिए, अलग अलग जानवरों के कान आकार भी अलग अलग होता है। निम्नलिखित जानवरों में से किन किन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, किन किन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब देखो हमको इधर दो कोष्टक दिए गए हैं, इसमें हमको लिखना है, एक तरफ लिखना है जो देखे गए हैं, हम जिनके कान दिखते हैं उन जानवरों के नाम, और जिनके कान नहीं दिखते उन जानवरों के नाम हमको लिखना है। ऑप्शन में है हिरण, मेंढक, मछली, चींटी, कौवा, सुअर, जिराफ, बिल्ली, बाघ, गोरैया, भैंस, सांप, छिपकली, बत्तख, हाथी, बंदर।
ओके। अब देखो इसमें हमको बताना है कि किस किस के कान दिखते हैं। देखिए जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं, अब ऐसे जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं, जिनके कान हमको देख सकते हैं उनका नाम हमने लिखा हिरन, भैंस, जिराफ, हाथी, बंदर, सुअर, बाघ, बिल्ली। ये सब कैसे नाम है बच्चों जिनके कान हम देख सकते हैं। आगे देखिए हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे जानवर जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं उनके नाम है चींटी, छिपकली, बत्तख, सांप, गोरैया, मेंढक, मछली, कौवा। अब ये सभी प्राणी कैसे हैं? ये सभी इनके हम कान देख सकते हैं? नहीं, इनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं बच्चों आपको इनके कान नहीं, इसलिए नहीं देखने में इन सब के नाम आएंगे और जिनके दिखाई देते हैं उनमें इन सब के नाम आएंगे, ठीक है। फिर देखिए जिन जानवरों के कान हम देख नहीं सकते हैं, क्या सचमुच में उनके कान नहीं होते हैं? सोचिए, हमको सोचना है। आइए हम इस चित्र का अवलोकन करें। चलो अब हम इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में क्या क्या है? मुर्गा है, चिड़िया है, पोपट है, बत्तख है, कौवा है, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है चित्र में दिए गए पक्षियों के नाम बताइए। तो हमने अभी बताया ये क्या है, मुर्गा है, चिड़िया है, तोता है, बत्तख है और कौवा है। आप उनके कान देख सकते हैं? इनमें से हमको कान दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनमें से किसी के भी कान हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन सबके कान है पर हम देख नहीं सकते हैं, उन सबके कान है बच्चों पर हम सब नहीं देख सकते हैं। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 9 तक पढ़ा और हमको अब क्या करना है, हमारे होमवर्क में किताब में पेज नंबर 9 तक कंप्लीट करना है और ये सभी चीजें हमको हमारी नोटबुक में भी लिखनी है, नोटबुक में भी हमको पेज नंबर 9 तक कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।